सो अब हमें को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। एंजाइम्स की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने कल इवनिंग की क्लास में ये चीज समझी थी कि एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स है जो कैटेलाइटिक पावर दिखाते हैं, जो हमारे एंजाइम्स हैं और जो इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने समझा था। कैसा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट क्या होता है वो हमको समझ में आ गया था। डायनेमिक स्टेट क्या होता है वो हमको समझ में आ गया था। इतनी सारी चीजें सबको क्लियर थी, थम्स अप देके बताओ जल्दी से। उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, नॉन क्लियर वाला का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। अब हमें ये देखना है कि भाई एंजाइम का काम, एंजाइम क्या कर रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के केस में कितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा था, 6 मिलियन टाइम्स ना। यस तो अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं कि भाई एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी या एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। पढ़ो अब यहां से, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशन। हम एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में चेंज लाके। जो क्या करता है एंजाइम की, ऑब्वियसली टर्शरी स्ट्रक्चर को ही अफेक्ट करेगा सबसे पहले, बिकॉज वी नो एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जब अपनी टर्शरी हाँ स्ट्रक्चर में होते हैं तभी सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। मैम, इसका यस मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे ये फैक्टर एंजाइम को नहीं अफेक्ट करेंगे, एंजाइम का जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर को अल्टर कर देंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब ये कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दो, या फिर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। कोई स्पेसिफिक केमिकल बाइंड कर रहा है उसको आप उसकी बाइंडिंग को चेंज कर सकते हो, ताकि जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर और पीएच का क्या इफेक्ट है। एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ, कितना टेम्परेचर तक हमने देखा था एंजाइम जो है स्पेसिफिकली वर्क कर सकते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस। एटी अरे 80 तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए था, 40 डिग्री मैम सेल्सियस 40 एग्जैक्टली 40 डिग्री सेल्सियस था लिखा हुआ था ना इन साइंटिफिक एग्जैक्टली लाइन। अबव 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम की एक्टिविटी एल्टर होगी ही होगी, याद नहीं है? तो यस इतने में मैम याद है ऑप्टिमम मैम ऑप्टिमम दिखा सकता है आपका ये, ठीक है? फिर बोलते हैं कि ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो अपनी एक्टिविटी हाई दिखाता है, और एक पर्टिकुलर पीएच पर। उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम बोलेंगे टेम्परेचर के केस में ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच के केस में ऑप्टिमम पीएच। सपोज मैंने 40 डिग्री सेल्सियस बोल दिया तो 40 डिग्री सेल्सियस इज योर ऑप्टिमम टेम्परेचर टेम्परेचर। अगर मैं इससे ज्यादा टेम्परेचर करूंगी, 40 से ज्यादा, लेट सपोज मैंने 50 डिग्री सेल्सियस किया, तो रेट जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, रेट डिक्रीज होगा, ठीक है? एक्टिविटी डेक्लाइन होगी। आप 40 से कम करोगे, 30 डिग्री सेल्सियस करोगे, ऑप्टिमम वैल्यू से बिलो जाओगे तब भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, और उससे अबव जाओगे तब भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी। लो मैम टेम्परेचर, हाँ मैम रेट तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा फिर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पर। ऑब्वियसली वो भी लिखा हुआ है ना इन्होंने ऊपर, देखो अभी तो हम सिर्फ एक फैक्टर पढ़ रहे हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। पहले टेम्परेचर पीएच देख रहे हैं, देन चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, देन इसका बाइंडिंग कैपेसिटी देखेंगे। यस मैम फिर इन्होंने बोला कि अबव करो या बिलो करो, दोनों में ही एक्टिविटी डिक्लाइन होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, डिक्लाइन होगी एनहेंस होगी, कि हम बोल रहे हैं कि भाई टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी स्लो हो जाती है क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर पे एग्जैक्टली क्या होता है, देखो लो टेम्परेचर पे क्या बोल रहा है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। मतलब लो टेम्परेचर में जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव बन जाते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर में जो आपके एंजाइम्स हैं उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स का हो जाता है डीनेचुरेशन, डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर थी वो ओपन हो गई, और टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं रहेगी तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे ना। यस मैम
मैम, ये वाले ग्राफ ध्यान से देख। एक ग्राफ मैंने आप लोगों को कल वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कराया था, वो ग्राफ याद रखना है, और बाकी ये तीन ग्राफ, ग्राफ दे के भी आप लोगों से पूछ सकते हैं किसका ग्राफ है। देखो ये बोल रहा है कि भाई जैसे जैसे आप पीएच बढ़ाते चले जा रहे हो, एक टाइम तक तो ये आपका एक्टिविटी इंक्रीज ही इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम आया, दिस इज योर ऑप्टिमम पॉइंट, यहाँ पे मैक्सिमम शो कर रहा है आपने, उससे आगे जब आप पीएच बढ़ा रहे हो तो एक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। जाएगी सेम इन द केस ऑफ टेम्परेचर, ऑप्टिमम ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज योर ऑप्टिमम पॉइंट, फिर उसके ऑप्टिमम के आगे जब आप जा रहे हो तो वो आपकी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो पहला पीएच का दिखाया हुआ है, देन टेम्परेचर का, देन इन्होंने दिखाया हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, कि आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाओगे उससे एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है। तो अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम हाँ बाद जाके ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाँ बी मैक्स आ गया, नहीं आ गया, सबसे हाई मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट इतना होगा। लेट सपोज मेरे पास सबस्ट्रेट है कि भाई 50 ग्राम सबस्ट्रेट तक ही कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, पहले आपने 20 ग्राम लिया, फिर आपने 30 ग्राम लिया, फिर आपने 40 ग्राम लिया, जैसे जैसे आप 20, 30, 40 करते जा रहे हो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फिर आप लोगों ने मैक्सिमम कर दिया 50 ग्राम, यहां तक बढ़ी, फिर आपने 60 ग्राम कर दिया, तो 60 ग्राम करने पे भी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब 50 ग्राम जो है वो आपका वी मैक्स आ जाएगा या नहीं। हाँ मैम, यस मैम, 50 ग्राम नीचे यस जाएगा, एंड इसी का मिड वाला पॉइंट में वी मैक्स बाय 2 लिख देते हैं आपका, दिस इज के एम। इसका फॉर्मूला आगे बताती हूँ, ये ग्राफ याद रखना, ग्राफ में आपसे लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कैसे लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको यहाँ पे ए लिख के दे देंगे क्या है ए, या फिर वाई एक्सिस पे पूछ लेंगे वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, इस पॉइंट पे लिख के दे देंगे बी ये क्या है, इस पॉइंट पे लिख के दे देंगे सी ये क्या है, लेबलिंग पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है, याद रहेगी सारी चीजें। यस सब मैम, के सब इसको रफली ड्रॉ करके जरूर देख लेना, ध्यान से कोई चीज हम लिखते यस हैं तो याद रहती है हमें, तो ठीक अब आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम देख रहे थे जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते जा रहे हो, पहले आपका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो बढ़ती चली जा रही है, रिएक्शन अल्टीमेटली एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी विच इज नॉट एक्सीडेड। आप उसके बाद कितनी ही सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाओ, वो आगे और वी मैक्स नहीं बढ़ने वाला है, वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली। क्यों नहीं बढ़ेगी, इसका रीजन इसको हाईलाइट करो, दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देर आर नो एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब कि लेट सपोज मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स है किसके, फिफ्टी मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स ले लो चलो, ठीक है, एंड हमारे पास पहले 20 ग्राम 20 मोल्स थे किसके, सबस्ट्रेट के, 20 से मैंने 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया, फिर 50 कर दिया, अब मेरे पास 50 पहुंच गया है, 50 ही एंजाइम्स और 50 ही सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके बाइंड करेगा। अब यस अब मैम, यस इसका मतलब मैम, यहाँ तक मेरा एक यस सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जैसे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पड़ता है सारे जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं जब उनके थ्रू सब्सटेंस ट्रांसफर हो जाते हैं, आता है मैम, सैचुरेशन पॉइंट, सेम यहाँ पे भी सैचुरेशन पॉइंट आता है जब सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट ने यूज कर लिया है। अब 50 से अगर आप इसको 60 करोगे तो भाई जो एक्स्ट्रा 10 सबस्ट्रेट है उसके लिए एंजाइम कहाँ से लेके आओगे, एक एंजाइम के पास एक ही एक्टिव साइट होती है बिकॉज एंजाइम्स आर आल्सो स्पेसिफिक, तो ये 10 के लिए कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे, तो इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगा ना। तो वही लाइन लिखा हुआ है कि भाई जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो कम अमाउंट में है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, और एक बार सारे मॉलिक्यूल्स का सैचुरेशन हो गया
तो मेरे पास भाई कोई फ्री एंजाइम नहीं बचा जिससे आपके जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा 10 सबस्ट्रेट बच गए हैं वो बाइंड कर पाए, इसलिए आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ पाता है। समझ आ गया पॉइंट सबको? द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी सेंसिटिव है टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम, कि भाई हमारा जो एंजाइम है उससे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके बाइंड करेगा। जैसे कि लॉक एंड की थ्योरी मैकेनिज्म होता है, एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, होती है सारे लॉक की नहीं होती, सेम यहाँ पे होता है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक ही एंजाइम होता है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो सेंसिटिव है कि आपका स्पेसिफिक केमिकल ही उससे बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे देखो, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। जब आपका ये मेरे पास एंजाइम है ठीक है, और मेरे पास ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड करना है, सबस्ट्रेट के जैसा ही कोई और दूसरा केमिकल आ जाए, सेम शेप है दोनों की, फिजियोलॉजी सेम है, तो इस सबस्ट्रेट की जगह पे अगर आपका ये आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शट ऑफ हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि सबस्ट्रेट आपकी एक्टिव साइट से बाइंड करेगा लेकिन हमारी एक्टिव साइट तो ब्लॉक हो गई। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इनहिबिशन, और इस केमिकल को बोलेंगे जो आके बाइंड कर रहा है इनहिबिटर। और जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल करते हो, फिजियोलॉजी सेम हो, उसी इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल देंगे, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करेगा, सेम है दोनों के दोनों। जब दो सेम लेवल पे इंडिविजुअल्स होता है दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट 91% लेके आ रहा है, एक स्टूडेंट 90% लेके आ रहा है, तो नेक्स्ट एग्जाम में चांसेस दोनों के इक्वल इक्वल है ना कि कौन टॉप करेगा क्लास में, एज कम्पेयर्ड अदर वन, एक स्टूडेंट 90 लेके आ रहा है, एक स्टूडेंट 60 लेके आ रहा है, तो दोनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, है ना? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सिर्फ हम किस केस में बोलेंगे, जब आपका सबस्ट्रेट और आपका इनहिबिटर दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबल किस किस चीज में करेंगे, उनकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में, एंड इनहिबिट कर देंगे एंजाइम की एक्टिविटी को। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चर्स में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट में एंड इनहिबिटर में, इनहिबिटर जो होता है वो आपका किससे बाइंड कर जाता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से जाके बाइंड कर जाता है। अब जो वहां पे जाके बाइंड कर गया देन सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब हमारे एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है या नहीं हो रही है? करना है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर रहा है, तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। इसका इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को हाईलाइट करना है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पड़ता है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है और एक्टिविटी कहाँ पे दिखाता है जाके, सॉरी रहता इनर मेम्ब्रेन में है और एक्टिविटी मैट्रिक्स में दिखाता है जाके। यस मैम, याद है ना ये वाला? तो यही आपका, इसको इनहिबिट कौन कर देता है, मेलोनेट कर देता है, बिकॉज दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होती है। व्हिच क्लोजिंग मैम, एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पा, वो मैम एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे जो आपका, बिकॉज ये वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पे यूज करता है, ETS में भी आता है ये, और साथ ही साथ आपकी क्रेब्स साइकिल में भी आता है। Yes, दोनों को अफेक्ट कर देगा फिर वहां पे। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होती है, क्यों? क्योंकि हम वहां पे ट्रिक याद है ना क्रेब्स साइकिल की, वो क्या ट्रिक बताई हुई थी मैंने आपको, RCT इज केप्ट साइलेंट ऑपरेशन
ये आर नहीं, ए था, ए एसिटाइल को, ए दिस इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसिटिक। तो यहाँ पे कौन मैम, यहाँ पे कौन, मेलानिक जो है मेलानिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ मेलोनेट आपका मेलानिक एसिड पे एंड सक्सीनेट, मेलोनेट और सक्सीनेट। यहाँ पे देखो इनहिबिटर की तरह कौन काम कर रहा है, इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है मेलोनेट, और बिकॉज सबस्ट्रेट कौन था हमारा सक्सीनेट। सक्सीनेट सक्सीनेट को किसमें कन्वर्ट कराना होता है, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कराना होता है हमको, सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डीहाइड्रोजन, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है ये होता है। लेकिन यहाँ पे बाइंड इस एंजाइम के साथ बाइंड किसको करना है, सक्सीनेट को करना है, आके बाइंड कौन कर जाता है मेलानेट, ठीक है ये हुआ। तो याद रखना है कौन इनहिबिटर, इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहा है, कौन ओरिजिनल सबस्ट्रेट था, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मैम मेलानेट कब इंक्रीज हो जाएगा मैम, ये कब हो जाएगा ऐसा? बारा बोलो क्या बोल रहे हो मैम, जो मेलानेट है मैम, ये जो इनहिबिटर काम कर रहा है मैम, ये क्यों करेगा ऐसा, कब हो जाएगा मैम, कब अगर हमारी रिएक्शन, अगर हमारी रिएक्शन के अंदर मेलानेट एंटर हो जाए तब होगा सर। ओके मैम ठीक है ये हमको समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा, ये वाला लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज वाला, इस पे इम्पोर्टेंट लिख लेना, बाकी तो कॉन्सेप्ट से आप लोगों को याद ही रहेंगे, भूलते तो हम लोग डेटा है सबसे ज्यादा तो। ठीक है अब एंजाइम्स का नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम एंड उसका क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर में तो हम लोगों को पता है किसी भी एंजाइम को लिखते हैं तो उसके लास्ट में ए एस ई लगाता है, एज, हाँ मैम ए एस, है ना। तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स है जो हमने डिस्कवर किए हैं, आइसोलेट किया है, स्टडी किया है, और उन्हीं एंजाइम्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। क्वेश्चन पहला यही पे पूछा जाता है कि ये जो एंजाइम्स के सिक्स क्लासेस हैं, इन क्लासेस को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है, किस बेसिस पे, ये किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, किस टाइप की रिएक्शन को। तो हमने क्या किया, एंजाइम्स का डिवाइड इंटू सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया है एंड ईच विद हर एक क्लास के अंदर 4 to 13 सब क्लासेस है एंड नेम अकॉर्डिंगली बाई अ 4-digit नंबर के थ्रू उनका आपका क्या दिया गया है, नेमिंग दिया गया है। सिक्स क्लासेस, हर एक क्लास के अंदर कितनी सब क्लासेस है, 4 to 13। ये मत सोचना ये डेटा नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो, ऑक्सीडो मतलब ये क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन भी कर रहे होंगे और रिडक्टेज मतलब रिडक्शन भी कर रहे होंगे। और डीहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक के अंदर से हाइड्रोजन को निकालेंगे, जिसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एक के अंदर एड करेंगे जिसको एड करेंगे उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो सिंपली या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल लो या डीहाइड्रोजिनेज बोल लो, बात एक ही है। एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। जैसे कि मेरे पास ये सबस्ट्रेट है एस एस डैश, तो हमने क्या किया, एस के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव किया और एस डैश के अंदर ले जाके उसको एड कर दिया। तो एक रिड्यूस था वो आगे जाके ऑक्सीडाइज हो गया, या एस डैश ऑक्सीडाइज था ये रिड्यूस हो गया। सिर्फ ये रिएक्शन याद रख लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम हो रहा है। हमारे पास ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज किसी ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, किसी ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। और हमेशा याद रखना यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि वो ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन को कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, अगर हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यहाँ पे अदर देन हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एसजी है, यहाँ पे ग्रुप कोई भी मान सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी, उसको उठा के दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करा देंगे, एस प्लस एस डैश, यहाँ पे जी एड हो गया, ये आपका ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो गया, दिस इज नोन एज ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज का काम क्या होता है, हाइड्रोलेज मतलब ब्रेक डाउन कराना, बॉन्ड्स ब्रेकिंग कराएंगे, ये एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, ईथर को, पेप्टाइड को, ग्लाइकोसिडिक कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हैलाइड या फिर पीएन बॉन्ड को, बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम।
लाइगेज का काम क्या होता है? देखो मैम, कार्बन यहाँ पे भी कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड. देखो अभी हमने देखा हाइड्रोलेज और लाइज में, हाइड्रोलेज में हम हाइड्रोलाइसिस के थ्रू बॉन्ड ब्रेक करा रहे थे हाइड्रोलाइसिस के थ्रू. लाइज में हाइड्रोलाइसिस के अलावा, मतलब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करके नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली ग्रुप का रिमूवल करा देंगे वहां पे, ताकि डबल बॉन्ड आ जाए. जैसे कि आपका सीसी और एक्स को मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, दिस इज योर फ्लोरीन, ये क्लोरीन फ्लोरीन है, कुछ भी ग्रुप आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो. तो हमने इन दोनों ग्रुप्स को यहाँ से रिमूव करा दिया, देन मेरे पास कार्बन कार्बन एक एक वैलेंस इनकी रह जाती है एक्स्ट्रा, तो इसमें आ गए डबल बॉन्ड. तो सिंपली याद रखना, जिसके अंदर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम्स. जिसके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे याद रख लेना जिसके अंदर हम अनसैचुरेशन लेके आएंगे, अनसैचुरेटेड बना रहे हैं ना, अनसैचुरेशन, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना दिया, ऐसे याद रख लेना. नेक्स्ट क्लास में आइसोमर्स में कन्वर्ट करेगा, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली ज्योमेट्रिक या फिर पोजीशन आइसोमर्स में, किसी में भी आपका आइसोमर्स क्रिएट कर सकता है. इसका आइसोमर का एक एग्जांपल याद है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस में पड़ता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. हाँ मैम, आइसो एंजाइम कौन सा यूज करते हैं वहां पे, ठीक है. फिर आता है हमारे पास लाइगेज. देखो अगेन लाइगेज एंड लाइएज, वहां पे हम सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करा रहे थे अदर देन हाइड्रोलाइसिस. यहाँ पे क्या कराना है, यहाँ पे लिंक करा रहे हैं, लाइगेट करा रहे हैं, किसी चीजों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, दो कंपाउंड्स को आपस में लिंक कराएंगे, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, किसी को भी ज्वाइन अप करा के, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे. लाइएज में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, लाइगेज में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन. क्लियर? सिक्स क्लासेस, हर एक क्लास के अंदर फोर से कितने सब ग्रुप्स है, 13 सब ग्रुप्स. वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाओ कोफैक्टर. कल मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाया था, वो टेबल याद है सबको, एंजाइम सिंपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम. कॉम्प्लेक्स इसके साथ प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, तो ये वही पूरा इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है आपका, इसको पढ़ना चाहो पढ़ लो. एंजाइम जो होता है आपके, वो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन से बने हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी. देर आर नंबर ऑफ केसेस जिसके अंदर एंजाइम्स के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उसी नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं आपका कोफैक्टर, जो कि आपका एंजाइम से बाइंड रहता है. इन दीज इंस्टेंस प्रोटीन पोर्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर और प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम. एपोएंजाइम कौन सा प्रोटीन पार्ट है, अब ये जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई ये नॉन प्रोटीन पार्ट कैसा होगा, ऑर्गेनिक भी हो सकता है इनऑर्गेनिक भी. अगर इनऑर्गेनिक होगा ये, तो इसको हम बोल देंगे मेटल आयन, और ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक अगर टाइटली बाउंड है हमारे प्रोटीन पार्ट से, उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, या फिर उसको कोएंजाइम बोल देंगे हम आपका. ये इसको साइक जो बच्चे कल नहीं आए थे उसको समझ गए एक बार टेबल से कल वाली. देखो यहां से ज्यादा समझ में आएगा. एंजाइम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम. सिंपल एंजाइम सिर्फ किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली. कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट होते हैं. प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर. इतना ही पढ़ा ना वहां पे अब तक हमने. यस मैम. कोफैक्टर है वो आपका, मतलब नॉन प्रोटीन है ऑब्वियसली, प्रोटीन का नहीं बना हुआ है तो हमें पता करना है ना कि का किस चीज से बना हुआ है, तो वो आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. इनऑर्गेनिक में सिर्फ मेटल आयन आएंगे, ऑर्गेनिक में भी कंडीशन है कि भाई ये जो कोफैक्टर है ये प्रोटीन से टाइटली लिंक है या फिर लूजली लिंक है. अगर ये टाइटली लिंक है तो इसको बोल देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप,
और लूजली लिंक है तो इसको बोल देंगे हम कोएंजाइम ग्रुप के एग्जांपल परोक्सीडेज कैटरेज हीम ग्रुप और कोएंजाइम के अंदर सिर्फ यही पूरी टेबल उन्होंने वहां पे बना के दी हुई है लास्ट पैराग्राफ ओके डन सबको मैम ये समरी पढ़ना जरूरी होता है लास्ट में जो चैप्टर की होती है नहीं नहीं इस समरी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज़ जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना समरी इज जस्ट लाइक अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो एक बार इसको रिकैप करना चाहो कर लो चॉइस है ओके मैम मैम इसमें ना कुछ एनसीईआरटी में जो दिया है उससे अलग दे दिया था समरी में ऑलमोस्ट सेम सही होता है बट एक बार पढ़ लिया करो बस मैम मैंने पढ़ी थी एक चैप्टर की उसमें ना कुछ मतलब कि और दूसरे शब्द पढ़े एनसीईआरटी में और कुछ लिखा था और उसमें और कुछ लिखा था चलो देख समरी पढ़ के देखता है देखो ऑल्दो देयर इज अ बीवाइल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की देयर केमिकल कंपोजिशन एंड उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन अपीयर टू बी रिमार्केबली सिमिलर उनके अंदर किस टाइप के केमिकल कंपोजिशन मतलब कितना लिपिड प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है किस किस टाइप के केमिकल्स है और उनकी क्या क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है ऑलमोस्ट सिमिलर है जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग वेराइटीज है हमारे पास अलग अलग टाइप के एनिमल्स है बट केमिकल कंपाउंड सबका और उनकी रिएक्शन सेम है The elemental composition of living tissues and non-living matter ये भी हमको almost similar दिखाई देती है कि एक living tissue एक cell के अंदर कितने element है tables याद कराई थी ना initial में सबसे starting में वो वाली बात कर रहे हैं आपका however a closer examination जब एक closer examination लगाया गया तो उससे हमें ये reveal करके पता चला कि relative abundance जो है carbon hydrogen oxygen कि हमारे living system में higher है As compared to the outer atmosphere. एक टेबल थी जिसके अंदर उन्होंने लिख के दिया होता कि अर्थ क्रस्ट के अंदर इतने अमाउंट में एलिमेंट है और हमारी बॉडी के अंदर इतने अमाउंट में एलिमेंट है उसके अंदर आपने देखा था कि अर्थ क्रस्ट में तो बहुत कम है लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है तो बोल रहे हैं वही लाइन आपका द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वॉटर सबसे जो अबंडेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है वो वॉटर है देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिकुलर वेट कितना आपका 1000 डेल्टन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इसमें आपका जैसे कि आपका अमाइनो एसिड सारे मतलब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड पड़ा है मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड शुगर्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेसिस ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं एंड टोटल वी हैव कितने टाइप के अमाइनो एसिड 20 टाइप के अमाइनो एसिड एंड 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है 20 में से आपको पता है ना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाला कौन से एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल उसकी भी ड्रिंक के थ्रू याद कराया था फैट और ऑयल्स जो होते हैं वो ग्लिसराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर फैटी एसिड को एस्टर बॉन्ड के थ्रू हम ग्लिसरॉल से एड ऑन कराते हैं फिर वहीं से हमारा क्या बन जाता है आपका एक सिंगल फैटी एसिड को ज्वाइन कराएंगे तो क्या बनेगा मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड बन रहे थे ना वो ऐसे हमारे पास फॉस्फोलिपिड की भी स्ट्रक्चर दिखाई थी वहां पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था लिपिड की स्ट्रक्चर में क्योंकि सबके सब ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं CH2OH हम क्या कर देते हैं यहाँ से सिर्फ एच को हटा के यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करा देते हैं आर डबल बॉन्ड ओ आर डैश ये वाला करके ठीक है ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल सिर्फ 3 टाइप के मैक्रो देखो माइक्रो थाउजेंड्स में है लेकिन मैक्रो सिर्फ 3 बोल रहे हैं हमारे लिविंग सिस्टम में कौन कौन से प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स तीनों हम लोगों ने पढ़ा है लिपिड जो है लिपिड है तो क्या माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल है मतलब आना चाहिए माइक्रो में आता लेकिन मैक्रो में है क्यों क्योंकि जब हमने उसका फिल्ट्रेशन करके देखा था तो रिटेंटेड हमें पाया जाता है वही बता रहा है बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन जो होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता है फ्रैक्शन के अंदर ऊपर ही रह जाता है रिटेंटेट की फॉर्म में आना फिल्ट्रेट की फॉर्म में चाहिए था
बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमेशा पॉलीमर्स की फॉर्म में होंगे, यही हमारे बॉडी का बिल्ड इन ब्लॉक्स बनाएंगे। प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता ना दादा, ऑलवेज पॉलीमर होंगे। सेम ही अमाइनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, सब न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से किस लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड रहता है? एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं? तीनी लिंकेज मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में भी याद कराए थे, यहाँ पे भी रिवाइज कराए हैं, तो याद रखना है इनको। फिर आता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनके पास हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरली। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। एक ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह भी वर्क करता है? आरएनए। आरएनए राइबोसाइम में देखा गया है वो। ऐसे ही पॉलीसेक्राइड जो है आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल, आपका आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन उसके अंदर पाया जाता है, या आपका स्टोरेज फॉर्म में भी होता है जैसे स्टार्च प्लांट्स के अंदर, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर। प्रोटीन जो होता है आपके जनरली सेलुलर फंक्शंस में इन्वॉल्वमेंट होता है, मोस्ट ऑफ देम आर एंजाइम। मैक्सिमम प्रोटीन हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, एंड कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन, और होल बायोस्फीयर में एंजाइम्स आर द प्रोटीन जिनके पास कैटालाइजिंग पावर होती है। ऐसा न्यूक्लिक कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह वर्क करता है? राइबोसाइम, बिकॉज इसके पास भी कैटालाइटिक पावर होती है। जितने भी प्रोटीनियस एंजाइम है वो सब के सब क्या करेंगे? सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी दिखाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेंगे। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको चाहिएगा, एक ऑप्टिमम पीएच उनको चाहिएगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। एंजाइम का क्या क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देना। न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करना है। ऑलमोस्ट सेम। यस यस। स्नेहा एनी डाउट? स्नेहा बायोमोलिक्यूल्स का मैंने आप लोगों को एक डीपीपी भी भेजा था आई गेस, और मैंने आपके लिंक भी अटैच किया। चलो दारा क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से अच्छे से विजिबल नहीं है कुछ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करो, 156 मैं पढ़ देती हूँ। द मोनोमर ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड आर लिंक बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक्सेप्ट। सबके मोनोमर्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइकोजन, स्टार्च, इंसुलिन, इनुलिन। मैम इंसुलिन है क्योंकि वो तो प्रोटीन है। इंसुलिन बिकॉज उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक थोड़े ना होगा। सेलेक्ट अ होमोपॉलीमर एन ए जी नाग, और नाम किसका होमोपॉलीमर है ये? काइटिन। वेरी नाइस। 158 विच अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड कौन सा डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियोटाइड सी यूरिडाइलिक सॉरी। नेक्स्ट 159 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। लेसिथिन इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, लिपिड जो होता है वो वाटर सोल्युबल होता है। प्रोलीन इज अ अमाइनो एसिड, कौन सा इनकरेक्ट है? थर्ड। वाटर सोल्युबल होता है वो, इनसोल्युबल होता है। एग्जैक्ट। 160 ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बीडीएनए। अभी बीडीएनए मैंने आपको कहां पढ़ाया हुआ है? मॉलिक्यूलर बेसिस में फाइव डिफरेंट टाइप के डीएनए बताए थे। अब देखो क्या बोलता है डीडीएनए, मतलब ये ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा है। अभी ये मत सोच रहे ना हमने तो इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा है।
डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स की तरह होता है, नहीं होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. होता है. जो टू स्ट्रैंड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो पैरेलल होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे ये इनकरेक्ट है. क्या बोला इन्होंने? सारे करेक्ट है विद रिस्पेक्ट एक्सेप्ट वन. तो अभी इसको मार्क कर देते हैं, आगे वाले पढ़ो एक बार. नेक्स्ट में लिखते हैं द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय, शुगर फॉस्फेट से बनी होती है बैकबोन. है ना. नेक्स्ट में क्या लिखते हैं? देर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट है. तो हमारा वही सेकंड ऑप्शन ही होगा यहाँ पे. आगे देखो क्या लिखता है. 161 क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड गिवन इन बॉक्स बिलो आर एरोमेटिक. याद है एरोमेटिक बताए थे, जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो गया, बेंजीन वाला, है ना. तो इसमें लिखता है ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, लाइसिन, फिनाइलएलनिन. दो थे ना सिर्फ, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये थे ग्लूटामिक एसिड. तो करेक्ट आंसर विल बी 162. पॉलीमेरिक सब्सटेंस, सेलेक्ट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस होंगे एक्सेप्ट वन. सेलेक्ट द ओड वन का मतलब होता है सारे पॉलीमेरिक लेकिन एक ओड है इनमें से. सेल्यूलोज पॉलीमर है, रबर, लिपिड, प्रोटीन, कौन सा मोनोमर है यहाँ पे? लिपिड मैम. लिपिड एग्जैक्टली, इट्स अ मोनोमर. 163 वाला पढ़ो क्वेश्चन. स्टेटमेंट बताना है और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. स्टेटमेंट ए में क्या लिखता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, एसिड सोल्यूबल मतलब जो नीचे फिल्ट्रेट में आ जाता है, वो पॉलीमर्स होते हैं. एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, मतलब जो नीचे एसिड सोल्यूबल के अंदर पाया जाता है, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन दिखाते हैं. कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये सुप्रिया, फिनाइलएलनिन आपका अमीनो एसिड ही होता है. फर्स्ट वाला भाई, जो एसिड सॉल्यूबल होता है उसके अंदर पॉलीमर्स थोड़े ना, उसके अंदर तो माइक्रो वाले आते हैं ना. तो ये तो मोनोमर पॉलीमर तो ही नहीं सकते. तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. अब स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट. पहला क्वेश्चन में देखो, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, कट कर दो. इन्होंने लिखा है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए तो करेक्ट ही नहीं. ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए करेक्ट नहीं है, कट कर दो. सिर्फ क्या लिया है? स्टेटमेंट बी करेक्ट. क्योंकि कंफ्यूज किसमें होते हैं आप लोग? आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन में तो बहुत सारी चीजें होती है. अब कंफ्यूजन दूर करने, अभी जब कंफ्यूज हो जाना ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखो, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा. अब बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं अगर आप स्टेटमेंट ना देखते, लेकिन स्टेटमेंट से बहुत इजीली पता चल रहा है हमको फोर्थ स्टेटमेंट आ जाएगा. yes, क्योंकि स्टार्टिंग के तीन में ए करेक्ट दे रखा है और हम तो ए में तो 100% श्योर है या नहीं? ए में भी किसी को कंफ्यूजन है कि वो करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा? नहीं मैम, उसमें तो क्लियर है. तो होगा फिर फोर आंसर. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा, सब खुद से सॉल्व करो. इसको थोड़ा सा जूम करूं अगर नहीं क्लियरली विजिबल हो रहा तो. जिससे मैं पूछूंगी वन बाय वन करके. अंजलि तावर, अंजलि 164 का आंसर बताओ. 164 का मैम अभी पढ़ो पढ़ो. नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चन रीड कर दो और जितना समझ में आ रहा है उतना बता दो. बोलो अंजलि. अनुष्का नेगी, अनुष्का जल्दी बेटा. यस मैम.
बताओ क्वेश्चन का आंसर, जिसको पता है वो हैंड रेज कर लो। नहीं पता है तो एटलीस्ट रीड करो क्वेश्चन। फैटी एसिड एंड एस्टेरिफाइड विद ग्लाइकोसिरॉल कैन नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। मैम आंसर सी होगा। हाँ वेरी गुड अंशली, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो ग्लिसरॉल होता है ना उसके साथ एक फैटी एसिड लिंक करा दो मोनोग्लिसराइड, दो करा दो डाइग्लिसराइड, तीन करा दो ट्राइग्लिसराइड, लेकिन कभी भी एसिड बन के नहीं आएगा हमारे पास, पाल्मिटिक एसिड कभी नहीं आएगा। तो क्या बोलते हैं, कैन नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। समझ? Yes, ये वाला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो 175। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ा दूंगी तब ये कराओ। इनकरेक्ट, ग्लाइसिन इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है ग्लाइसिन। मैम सी होगा आंसर। नहीं ग्लाइसिन तो न्यूट्रल ही होता है, और राइबो शुगर थोड़ा ना होता है डीएनए के अंदर, तो डी ऑक्सी राइबोज होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वाला जिससे पूछूंगी वो बताएगा अभी। गायत्री बाकी सब हैंड रेस कर दो जल्दी से सॉल्व करके, क्वेश्चन आप बताओगे। जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब बोला था 100% क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। मैम इसका ऑप्शन डी होगा। किसने बताया? गायत्री ने। 176 का मैम। यस मैम 176 का, बाकी लोग भी डी बता रहे हैं। डी है मैम। ग्लूकोज ट्रांसफॉर्म करता है, तो ए का क्या होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, तो इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना भाई, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। यस मैम। देखो 4 किसी और में नहीं, ए का 4 किसी और में नहीं दे रखा है इन्होंने, बहुत इजी है। हां मैम 177 हम होगा। जो हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन एसेंशियल नहीं है हमारी बॉडी के लिए वो, और एक्सेप्ट में बताना है तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड। एक्सैक्टली वेरी गुड। 178 लोग मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है ऑयल को, तो यस ऑयल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन फैट, तो ऑयल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोनिल, और एक दूसरे वाला एसिड था पाल्मिटिक एसिड था, कौन सा एसिड था वो, ये कार्बन याद करा था, पाल्मिटिक P4 15 15 प्लस 1 16 है ना। देखो इफ एडेनिन, अगर हमारे पास एडेनिन का अमाउंट 32% है तो थायमिन, इसको भी मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, बाकी सब सॉल्व करो। इसको मेरे को बताएंगी निमिषा, संध्या नहीं आई क्लास में, संध्या भारती। yes,
मैम मैं बताऊं, हां जी बोलो बोलो। ए ऑप्शन है मैम इसका, ए ऑप्शन होगा। व्हाई? बिकॉज़ एडेनिन और थायमिन ऑब्वियसली सेम सेम होगा, 32 32, और फिर उसको प्लस करके मैम तो दोनों इक्वल होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन, तो 18 18 बनेगा। बाकी सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम, मैम 180 वाला बताओ, एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ प्रो। Enzyme that catalyzes the removal of group from substrate other than, देखो exactly इनके आर्टिकल लाइन, other than hydrolysis leaving double bond, double bond कौन छोड़ता है? Ligase या फिर lyase? Confused तो नहीं हुआ ना कोई? No. Ligase से याद रखना, ligate करना, ligate, ligate का मतलब होता है joining करना, ठीक है? 181, lipid constitute कितना सेलुलर मास होता है? टेबल से क्वेश्चन है इसकी। मैम 2%। 2। ओके। The most abundant protein in the whole of the biosphere is all biosphere. और अगर एनिमल वर्ल्ड पूछ लेते तो ये 184 वाला करो। प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, बोलते हैं एपो एंजाइम। ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को जल्दी करने में फटाफट पढ़ो, वो लिखते हैं। लाइगेज क्या होता है? जॉइनिंग, दिस इज आल्सो ट्रू। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या फॉलो एंजाइम बोलते हैं? फॉल्स नो मैम, को फैक्टर बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं। जिंक इज अ को फैक्टर, जिंक को फैक्टर की तरह वर्क करेगा नॉन प्रोटीन पार्ट। यस, तो क्या आएगा आंसर? मैम 1 3 थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, करेक्ट बताना है ना। 185 वाला देखो जरा, मैम क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा 185। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन 174 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग डबल हेलिक्स बीडीएनए? मैम ये वाला नहीं आ रहा, आप बता दो। देखो ना, 68। एक बीडीएनए होता है, उसका जो हेलिक्स होता है, एक उस हेलिक्स के अंदर उसका लेंथ कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर ना। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना इसको, 0.34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। हम 34 होगा, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ना। तो 34 एंगस्ट्रॉम में एक डबल हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होता है? हम 10 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर होता है ना। Yeah. 10 बेस पेयर मतलब 20 हो जाएगा, तो 34 20, और अगर हम 1 में निकाले 34 में 20, तो 1 में आ जाएगा 20। मैम इसका बी होगा, 34। देन इसको कर दो 170 में पूछा इनटू 170। ये हो जाएगा 100 आएगा इसका आंसर।
ट्राई करना चाहोगे? मैम निकल गया, क्या होगा ना 100 सॉल्व पूरा वही सॉल्व करना है। यस मैम हो गया। 34 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। इन्होंने बेस पेयर नहीं बेसिस पूछे, तो मतलब 20 बेस पेयर हो गए। यस हां मैम। 34 एंगस्ट्रॉम में और कितने एंगस्ट्रॉम में निकालने हैं? 170 एंगस्ट्रॉम में। तो 20/34 × 170 कर दो, 17 × 2 = 34, ऊपर आ जाएगा 10। 2 से कट कर दो इसको, 2 × 10 = 20, 100 आ गया। नहीं हाँ मैम, क्वेश्चन इजी है, देखो आता सब कुछ है हम लोगों को, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। सिंपल यूनिटरी मेथड है। जल्दी जल्दी सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड। मैम 3 मैम डी आएगा है ना, और फिर बोल रहा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेलुलोज इज फ्रक्टोज या फिर नो मैम इससे बना होता है ये ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा या बीटा? बीटा। टेबल लिखवाई थी ना, बीटा ग्लूकोज से मिलके बना होता है ये, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज, तो मोनोमर तो नहीं हुआ, तो ये गलत है स्टेटमेंट। पीज करेक्ट, पहला कट कर दो, क्यू दोनों ही देखा इसको कट कर दो, पीज करेक्ट बट क्यू इज इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट। हां मैम। 197 वाला पढ़ो, ये जो होलो एंजाइम समझते हो वो आपका सिंपल एंजाइम, और जो आपको कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है ना, कॉम्प्लेक्स एंजाइम को होलो एंजाइम बोलता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। हम इसके ऑप्शन होलो एंजाइम, कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। नो मैम 2 होगा, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ये ऑप्शन है मैम। हां मैम 2 होना चाहिए, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। वेरी गुड। अच्छा कोएंजाइम एंड कोफैक्टर क्यों नहीं ले सकते हैं? मैम दोनों नॉन प्रोटीन है। दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो, ये तो हो ही नहीं सकता, एंड कोएंजाइम तो करेक्ट विल बी सेकंड। 196 वाला पढ़ो। करो जल्दी जल्दी से, कोएंजाइम जो होता है मैम वो टाइटली बाउंड होता है। कोएंजाइम टाइटली बाउंड होता है या लूजली बाउंड होता है? मैम फॉल्स होगा ए, लूजली बाउंड होता है ना कोएंजाइम तो। हां मैम, तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स होना चाहिए, ए स्टेटमेंट 8 ट्रू कट कर दो, बोथ आर ट्रू कट कर दो, बचा 2 or 3 ऑप्शंस। बी वाला पढ़ो, अ कंप्लीट कैटालाइटिक एंजाइम, एक कंप्लीट कैटालाइटिक एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इज अ प्रोटीन, सिंपल, उसके अंदर थोड़े ना प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कंप्लीट कैटालाइटिक एंजाइम एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और प्रोस्थेटिक आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्यों भाई बी गलत क्यों है? गलत बताने में एक सेकेंड, इज कॉल्ड, अच्छा एपो एंजाइम हमको करेक्ट बताना है, इज कॉल्ड एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है, तो प्रोटीन पार्ट के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, ए कंप्लीट कैटालाइज एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नहीं नहीं ये तो फॉल्स है, तो हमारे पास होगा ए इज ट्रू, ए तो फॉल्स था ना, और बी भी फॉल्स है, बी होगा। मैम बी हमारा फॉल्स क्यों होगा?
बी में देखो एक कंप्लीट ये बोल रहे कि भाई एक कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम, एक एंजाइम का मतलब क्या है विद इट्स बाउंड कि उसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड है उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को एपो एंजाइम बोलता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ना, और एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप को थोड़ी ना एपो एंजाइम। मैम कैटालिटिक एंजाइम जो इसमें जो स्टेटमेंट लिखे है ना कॉल्ड वाली, कॉल्ड के बाद ना को फैक्टर लिखा होता तो सही होता। एग्जैक्टली कोल्ड के बाद यहाँ पे को फैक्टर ही आना चाहिए था। मैम एपो एंजाइम की जगह को फैक्टर भी हो, हाँ एपो एंजाइम की जगह अगर को फैक्टर होगा तब को स्त्रो हो जाएगा ना ये, यस और ऊपर वाले में बोला है को एंजाइम क्या टाइटली बाउंड, को एंजाइम टाइटली बाउंड थोड़े ना लूजली बाउंड होता है, टाइटली हाँ बाउंड तो मैम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। आस्था ठीक है ये पढ़ो दोनों 194 195। मैम ग्लाइकोसाइड कौन, जब मैंने आप लोगों को डीपीपी शेयर किया था तब भी किए थे ये वाले क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन होंगे इसमें भी, कल हैंड रेज भी करके बताया था कि हाँ इजी मैम उसमें ना थोड़े इससे इजी थे। हाँ थे ये मैम इतने मुश्किल नहीं थे उसमें। मुश्किल लग रहा है बस इसमें देखो ना एनसीआरटी से नहीं मैम सब एनसीआरटी से होते इसमें मुश्किल नहीं है, बट उसमें तो और ही ज्यादा इजी थे। हाँ, तो इसका मतलब ना तो थोड़ा थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज आपको भी फील हो रहा होगा कि एनसीईआरटी कितना अच्छे से पढ़ना जरूरी है, चाहे एनसीईआरटी में पढ़ लिया है हाँ कितना भी मैम अच्छे से, लेकिन अगर फिर भी और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टेटमेंट में समझ ही नहीं आएगा क्या करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एक अमाइन एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COH ग्रुप और एक NH, तो कौन सा बनना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा भाई CONH बॉन्ड। ठीक है चूज द स्टेटमेंट, चूज द सब्सटेंस हैविंग अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्वियसली किसके अंदर होगा, प्रोटीन के अंदर होगा, इंसुलिन तो प्रोटीन कौन है इसमें से, इंसुलिन, इंसुलिन या तो A1 होगा या 4 होगा, इनको तो कट कर दो यहाँ से। ग्लाइकोसिडिक किसके अंदर होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है हमारा पॉलीसेक्राइड्स वगैरह के अंदर होता है, वो है हमारा इनोलन। लेसिथिन क्या है, लेसिथिन इज अ लिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड वहां पे तो होता ही नहीं ग्लाइकोसिडिक, हाँ मैम एस्ट्रिफाइड हो, तो करेक्ट विल बी द 4। आ गया सारे क्वेश्चन समझ में ही है सबको। यस मैम यस अब हाँ तो और क्वेश्चन, तीन और क्वेश्चन है इनको और देखो। एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल 199 एंड 200, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एक ग्लिसरॉल, उसके साथ एक फैटी एसिड भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बट फैटी एसिड फैट तब बनता है जब इसके अंदर तीन फैटी एसिड होता है, तो वन ग्लिसरॉल विथ थ्री फैटी एसिड, थ्री ग्लिसरॉल तो ही नहीं सकते, टू ग्लिसरॉल भी हो सकते और एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से तो मोनोग्लिसराइड बनेगा, फैट थोड़ा हाँ बनाने, मैम और फैट्स आर द ट्राइग्लिसराइड। एनएडी क्या है, एनएडी पॉजिटिव एसेंशियल केमिकल कंपाउंड ऑफ एनएडी, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डायमाइनेज डाय न्यूक्लियोटाइड, हाँ निकोटीन निकोटिनामाइड एडेनिन डाय न्यूक्लियोटाइड क्या ये एक, मैम विटामिन, इट्स अ विटामिन। 200 द एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट हैविंग लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, कैट टेबल अगेन, टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, विच वन इज, सल्फर। हो गए सारे क्वेश्चंस। यस अब देखो मैंने इस वाले पार्ट के आपको क्वेश्चन करा दिए, अभी मैं एक डीपीपी शेयर करूंगी आप लोगों को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एक बार यहाँ पे शो करके भी दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा पोटेंशियल बन जाए आप लोगों का और कर लो कुछ आप लोग। हाँ मैम बोलो मैम बोलो जो टेबल है उसमें,
मैम जो टेबल है उसमें सल्फर और कार्बन की परसेंटेज सेम है अर्थ क्रस्ट में। ऑप्शन में देखना अगर यहाँ पे कार्बन और सल्फर दोनों होता, मैंने ध्यान नहीं दिया तो आपका, तो दोनों में से कोई भी लगाओगे ना आप दोनों में से। मैम टेबल में ना नाइट्रोजन के आगे लिखा है वेरी लिटिल, तो मतलब वही सबसे कम होगा, बाकी सबके आगे तो लिखा हुआ है तो वेरी लिटिल लिखा हुआ है उसके आगे, तो फिर नाइट्रोजन yes, फिर नाइट्रोजन। हाँ मैम नाइट्रोजन होना चाहिए फिर तो, ठीक है। अब देख लो जरा ये वाला डीपीपी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, जिसमें आप लोगों के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले क्वेश्चन है और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले क्वेश्चन है। आंसर की नहीं भेजूंगी, आंसर की आप लोगों को खुद से बनानी है इसकी, मतलब क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली बात है नहीं मिलने वाला है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाए। सब याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन, ये याद है क्वेश्चन इशिका आपने पूछा था चास में सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक आर्म छोटी एक आर्म बड़ी, तो इसमें जो लॉन्ग शॉर्टर वाली आर्म होता है ना उसको पी आर्म बोलते हैं, जो लॉन्गर वाली होती है नहीं लॉन्गर वाली को पी बोलते हैं, लॉन्गर वाली इज पी, शॉर्टर वाली इज क्यू। ओके एनसीईआरटी ने भी दे रखा लेकिन ये पीवाईक्यू में है, पीवाईक्यू yes, है ठीक है। और जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले ना उनको साथ साथ अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना, जहाँ पे आपने सब मेटासेंट्रिक लिखा होगा या एनसीईआरटी में एड ऑन कर लेना। मैम प्लीज सारे पीवाईक्यू ही है ना ये, हाँ इसमें सारे पीवाईक्यू भी मिलेंगे और एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बहुत। ये वो पेपर्स है जो अभी रिसेंटली आकाश में जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन आपको पता है ऑफलाइन का कितना फीस होता है, अराउंड 60-70,000 से जो अप्रोक्स ज्यादा ही होता है, तो वो बच्चे का पेपर देना 20,000 है ये बच्चे का, उसकी 50% वो आई है स्कॉलरशिप्स आती है, तो ये वो वाले पेपर्स है ना। मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज खरीदने भी वाले हैं, तो जितने भी पेपर मिलते जा रहे हैं इनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है आप लोगों को, मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। मैम शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोलते हैं ना, नहीं लॉन्ग को बोलते हैं बेटा, पी बड़ा पहले, पी पहले बड़ा आता है तो पहले पी आता है बाद में क्यों आता है, ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे इतनी मेहनत। यस मैम सिर्फ 50 क्वेश्चन है देखो, और 50 क्वेश्चन करने में ना आप लोगों को ऑलमोस्ट कितना टाइम लगना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, 20 से ज्यादा भी मत लगाना। अभी काम करना सबके सब सेम टाइम पे करने बैठना, इसको 11:20 पे करने बैठना, 11:20 पे करने बैठना और 11:40 तक निपटा देना। इसके अलावा रिवीजन तो करने दो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ऐसा कर लेना, मतलब किसी भी टाइम करना बट फोन में टाइमर लगा लेना 20 मिनट।